আবারও ধস খনি এলাকায়। পশ্চিম বর্ধমান জেলার আসানসোল পৌরসভার 38 নম্বর ওয়ার্ডের ডামরা সংলগ্ন শালগড়িয়া এলাকায় রবিবার রাতে হঠাৎই ধস নামে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, কয়েকটি বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। স্থানীয় এক বাসিন্দা জানান, হঠাৎ রাতে ভূমিকম্পের মতো হয়, পরে দেখা যায় কয়েকটি বাড়িতে ফাটল দেখা দিয়েছে। তারা প্রশাসনের কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। প্রশাসনের পক্ষ থেকে ওই এলাকা পরিদর্শন করা হয়েছে। ঘটনা সাধারণত আমরা যে খাবার খেয়েছি, খাবার খেয়ে যে শুয়েছি, ওর জন্য আমি শুয়েছিলাম। আমার ছেলে বলছে কি বাড়ি থেকে কিছু তো পড়ছে, তো পড়ছে বলে বলছে কি জানি বিড়াল মেরে চেপেছে, দেখে না বিড়ালগুলো সব চচ্চর করে খাচ্ছে। এখন সব সেকেন্ড লাগলো না, মানে নিষ্ঠা তো সব ফেটে গেল। তো কোন প্রশাসন থেকে আপনাদের আশ্বাসন দিয়েছে? এসেছিল রাত্রে, পুলিশ এসেছিল, আর আরো কে কে এসেছিল। পুনর্বাসন জন্য কিছু কোথায় থাকবে এখন? ওটা তো বলেছি, এবার দেখো ওরা কিছু তোমার কিছু বলেনি। क्या हुआ घटना? यहाँ कल 10:30 बजे अचानक मतलब जो जमीन हल्का से मतलब अप एंड डाउन में धस टाइप का हुआ, तो हुआ तो उसमें से जब निकल के सब यहाँ का सारे लोग देखा तो किसी का घर गिर गया, किसी का घर फट रहा उसी टाइम एकदम एक लोकेशन कहीं में, तो सब अपना अपना घर से बाहर निकले, जिसका जिसका प्रॉब्लम होने लगा, जिसको लगा कि हाँ अब यहाँ रहने का लायक नहीं है, घर से बाहर निकला, सभी को फोन किया गया, जिस जिसको अपना सामने में जो रिलेशन है, जो जान पहचान का है, उसको फोन किया गया। जब देखा करके तो देखो उसमें से दो तीन घर भी हैं ढह चुका है पूरा कंप्लीट, और बाकी बहुत ज्यादा मतलब फटने लगा घर, अभी भी कुछ कुछ फटा हुआ है और कुछ तो घर रहने के लायक ही नहीं है, लगभग 8 से 10 घर ऐसा है जो पूरा डैमेज हो चुका है। तो प्रशासन कुछ आप लोगों को मतलब मुआवजा देने के या कहीं रहने का व्यवस्था कर दी अभी तक? अभी तक तो कुछ भी नहीं आया, पर प्रशासन ने ये जरूर बोला है कि हम लोग जरूर आ रहे हैं, देखिए कब तक 10:30-11 बजे तक आने की बात है, अगर आएगा तो हम लोग उससे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मुआवजा के साथ में। सबसे बड़ी बात है कि जो यहाँ पे इतना दिन से रह रहे थे, कहीं भी अगर प्रशासन देगा तो वो दिल नहीं लगेगा जो यहाँ लगा हुआ था, लेकिन फिर भी कोशिश किया जाए पहले प्रशासन आए, वहाँ से हम लोग बैठ से बात करें, सबसे पहले हम लोग को दिल का तसल्ली मिल जाएगा अगर वो लोग आ जाएंगे और हम लोग को तो ये देंगे कहाँ चले ठीक है, हम लोग सब साथ में, ये सब हम लोग ज़्यादातर ये है कि हम लोग अभी अकेला फील कर रहे हैं, यहाँ अभी हम लोग को आदमी का महसूस ये का जरूरत है। কি হয়েছে ঘটনাটা? কাল রাত খাওয়া দাওয়া করার পর হঠাৎ দেখছি মানে একটা ভূমিকম্পের মতো হয়ে গেছে, দিয়ে বাড়ির লোক সব দৌড়াদৌড়ি করলো, পরে করে দেখছি এদিকে বাড়িতে পুরো ফাটল ধরে গেছে, নিচে মানে কিছু একটা হয়তো হয়েছে ভূধসের মতো এলাকা, পুরো ভূধস মিলে একদম 4-5টা বাড়ি একটা লেয়ার নিয়ে পুরো ধসে গেছে। তো প্রশাসন থেকে কোনো লোক এসেছে? প্রশাসন থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো লোক আসেনি, আমরা নিজের বাড়ির লোক নিয়ে পাড়ার লোক প্রতিবেশী মিলে আমরা নিজের এখন সেফ জোনে যাচ্ছি। খুব রিস্কি, পুনর্বাসন জন্য কোনো কেউ আশ্বাসন দেয়নি? না, এখনো পুনর্বাসন জন্য কেউ আশ্বাসন দেয়নি, প্রশাসন বলেছিল নটা ফার্ম এখনো কিন্তু তারা কেউ ঢুকেনি। কি নাম আপনার? সানু বাবু। घटना यही हुआ था कि कल रात को अचानक जैसे भूकंप जैसा आया, उसके बाद फिर पूरा चारों तरफ अफरा तफरी मच गया, बचने के बाद सब कोई देखा बाहर निकल के किसी का घर तरह किया, ये हो गया जैसा ध्वस जैसा निकल के आया इससे, और चारों तरफ एकदम पूरा माहौल एकदम पूरा ये हो गया। हम लोग पूरा रात भर जागे रहे, प्रशासन को फोन किया गया, प्रशासन आया, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं आया और ना कोई ये आया। हम लोग खाली यही दरखास्त करते हैं कि हम लोग का जितना भी ये सब हुआ है, सरकार खाली इसका मुआवजा हम लोगों को खाली देते। तो अभी आप लोग कहाँ रहेंगे? अभी तो फिलहाल अभी तो कुछ अभी व्यवस्था हुआ नहीं है, डिसाइड नहीं किए हम लोग अभी तक, खाली अभी बाहर ही है, अभी जब प्रशासन आएगा कुछ हम लोग का व्यवस्था कर दिया जाएगा। तो कितने घर ऐसे इस तरह गिर चुके हैं या कितने घर नुकसान हो रहा है? 15 से 20 घर का हुआ है, थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर मोटा मोटी 5 से 7 घर एकदम पूरा पूरी बहुत तहस नहस हो गया, रहने लायक नहीं है। कल शाम को ये वाला घर भी गिर गया था, इसमें से कुछ बकरी घर था, इसमें लगभग 8-9 बकरी था, हम लोग सब कुछ साफ करके उसको निकाल लें और फिर व्यवस्था करके उन लोगों को भी रहने के लिए। फिलहाल हम लोग तो जिस तरह से जानवर का व्यवस्था कर रहे हैं, अगर सरकार भी हम लोग इस तरह से व्यवस्था करते तो बहुत 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 मतलब हाँ मेहरबानी होगा सरकार से। आपका नाम? मेरा नाम हुआ इंद्रजीत बावरी, इसे 3 नंबर भुजी कुलेरी सालगुड़िया ग्राम। আসানসোল থেকে সৌমিত্র গাঙ্গুলী রিপোর্ট, আনন্দ বার্তা।